पर जैसे मैंने देखा कि अगर आप टुकड़ों में लगाते हैं चीज़ें, बड़े एरिया में लगाना उसका मैनेजमेंट करना थोड़ा ज़्यादा कठिन होता है। पर जैसे आपके पास 500 पौधा लगा है, अगर आप 500 पौधे को एक एक करके केयर करेंगे भाई साहब, वो बड़े एरिया वाले से और 4-5 गुना ज़्यादा बेटर होगा। बिल्कुल। और आदमी आराम से एक एकड़ में गिरी हालत में पूरे परिवार चला लेगा, पैसा बचा लेगा। बिल्कुल। लेकिन बुंदेलखंड में ये बड़ी समस्या है, तो बुंदेलखंड के किसानों को कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं यहाँ पर आप ही की बात को थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा। जैसे क्या होता है, एक दुकानदार होता है, वो अपनी दुकान मार्केट में करे जी, एक और दुकानदार है जो भी मार्केट में दुकान करे, ये दुकानदार क्या देख रहा है कि ये देख रहा है कि अगर मेरे पास एक कस्टमर आ रहा है या एक दिन में इसके बाद 10 कस्टमर आए, तो ये चाहता है कि मैं जो कस्टमर आ रहा हूँ उनकी गर्दन काट लूँ, मैं एक कस्टमर से मैं 100 रुपये कमा लूँ। तो अगर 10 कस्टमर उसके पास आए हैं तो वो एक दिन का 1000 कमाएगा, लेकिन उसकी ब्रांड वैल्यू या कह लें कि वो जो एक बार इस दुकान पे आया है दूसरी बार दूसरी दुकान पर जाएगा, तो वो इसका ग्राहक ना होगा, उसका ग्राहक हो जाएगा, ग्राहक भी कटता चला जा रहा है। तो 10 के दिन हो सकता है एक समय ऐसा भी आए जब इसके यहाँ एक ही दो कस्टमर आए, लेकिन अभी दिन के कितना बना रहा है, 1000 बना रहा है। और यहाँ पर एक दुकानदार है जो एक कस्टमर से 50 रुपये कमा रहा है, लेकिन इसके पास 100 लोग आ रहे हैं, 100 कस्टमर आ रहे हैं, तो इससे ये 1000 कमा रहे हैं, 5000 कमा रहा है, और दूसरी बात इसकी दुकानदारी बन रही है। और लॉन्ग टर्म्स में अगर देखा जाए तो इसकी दुकानदारी बढ़नी है, घटना नहीं है, लोग दुआएं भी देंगे, लोग सामान भी खरीदेंगे, लोग रिश्ते भी बनाएंगे, और ये और दिन ब दिन आगे बढ़ना, ये बंदा डिप्रेशन में जाएगा, ना इसके रिश्ते बन रहे ना पैसा आ रहा है, ये सब चीज़ें होती है, क्योंकि ये अलग पर्सपेक्टिव। लेकिन अगर किसान भाइयों में देखा जाए तो हम क्या करते हैं, हमारे पास जमीन तो बहुत ज़्यादा हो जाती है, हमारे यहाँ खासतौर पर राठ बेल्ट जो है, जमीन की वैसी कमी नहीं, उपजाऊ जमीन है, बेहतर जमीन है, तो हम क्या करते हैं, हम अगर हमारे पास 10 बीघा है तो हम हो सकते हैं और किसी की भी करके लगभग 100 बीघा जमीन कर लें, और 100 में हम क्या करते हैं, 100 में हम मुश्किल से 10-20 बीघे में प्रॉपर जो समय देना चाहिए वो नहीं दे पाते हैं। तो हम जितना हमें हो सकता है, एक व्यक्ति है जो 10 बीघा करे, एक व्यक्ति जो 100 बीघे करे, 10 बीघे वाला व्यक्ति है जो पूरा अपना फोकस यहाँ पे करे, फोकस 10 बीघा पे, और हो सकता है 10 बीघे में वो इतना निकाल ले कि एक व्यक्ति 100 बीघे में ना निकाल पाए, क्योंकि उसका फोकस उसमें रहता है, उसको ज्यादा टेंशनाइज नहीं होना पड़ता है। और यहाँ पर क्योंकि जो है अल्टीमेटली बंदे का ब्रेन है, जब उसका ब्रेन दिमाग सही रहेगा, यहाँ पर चिक्कल सोच ये यार 100 बीघा करे हूँ मैं, एक यहाँ है 10 बीघा 10 बीघा, यहाँ 10 यहाँ 10 यहाँ, तो फोकस नहीं रहेगा। जैसे आपकी खेती अगर देखें, एक व्यक्ति अगर गेहूं बोया उसने 100 बीघे वाला है, एक अगर मान लो उसकी अच्छी प्रोडक्शन हो गई, ज्यादा 8-9 क्विंटल होती, फिर भी 10 क्विंटल अगर मान लें, तो 10 क्विंटल के हिसाब से तो ये मान लीजिए 100 बीघे में 1000 क्विंटल हो गए, 1000 क्विंटल के अगर भाव पकड़ के चले, 2000 की बिकती है, 2500 की भी मान लें अगर, तो लगभग 2500, 25,000, 2.5 लाख, 25 लाख करीब। और अगर अपनी देखी जाए यहाँ पर, अभी हमने 6 लाख तो केवल 3 बीघे में निकाला है, तो सोचिए कहाँ उनका 100 बीघे में निकल रहा है 25 लाख। 25 लाख में से ये मानिए आपकी ट्रांसपोर्टेशन से लेके और जो लेबर खर्चा, तो उसमें मुझे लगता है हाँ ऐसा हो जाएगा, तो लगभग 12-13 लाख 12-13 लाख मुश्किल से बचा पाएगा। और आपका अगर 3 ही बीघे देखा जाए, अगर आपका 10% ले लीजिए, जैसे 10 बीघा ले लें अगर अपन, तो 10 बीघे में सोचिए 6 दुनी अगर 6 लाख, तो 60, और अगर वैसे 50% भी निकाल दें तो 30 हो रहा है 30 लाख, तो बात वहीं पे होगी। 30 लाख भी छोड़िए, अपन जो अज्यूम करें उससे भी कम ले लें, 6 लाख में 3 लाख ही ले लें, तो 30 लाख यहाँ हो रहा है 15 लाख, मतलब ऑन एन एवरेज जो आ रहा है वही आ रहा है। तो जो किसान, बहुत सारे कमेंट भी हम देखते हैं कि कमेंट ऐसे आते हैं कि यार तुम भटका रहे हो लोगों को, हम ज़्यादातर चीज़ें ये यार तुम मोटिवेट करो कि बच्चे पढ़ें नौकरी करें। तो पहली बात एक चीज़ और क्लियर करना चाहेंगे पहली बार, और परमात्मा देव जी के चैनल पर, कि हम वीडियो किसानों के लिए बनाते हैं, बच्चों के लिए नहीं बनाते जो पढ़ लिख रहे हैं, उनके तो यही कहेंगे पढ़ते रहें। लेकिन बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल भी हम देखते हैं कि अमेरिका से कोई बंदा आया है, अमेरिका से नौकरी छोड़ के, लाखों पैकेज था उसका, वो खेती कर रहा है। मेरे पास अभी कमेंट आया था, मेरे को तो कोई बुरा सुझाव नहीं है, उन्होंने कहीं से मेरा नंबर भी लिया इसी पे।